दुनिया का सबसे बड़ा किंग आज के दौर में देखिए, और आइए हम बताते हैं आपको तो आगे की क्या। सभी फिल्मों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, और ये फिल्में दोस्तों इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्में साबित हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही द कश्मीर फाइल्स, RRR, KGF चैप्टर 2 और बिस्ट के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन चारों ही फिल्मों में इंडियन बॉक्स ऑफिस की बाजी किसने मारी है, कौन बना है हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम का किंग, और कौन बना है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का बादशाह। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, जूनियर NTR, रामचरण और थैलेपैथी विजय के डाहट फैंस और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार अंदाज में हुई, जब राधेश्याम फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 80 करोड़ से बड़ी ओपनिंग मिली। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के सामने रिलीज होने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कश्मीर फाइल्स जो कि हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार, क्रूरता और जेनोसाइड को दिखाती हुई फिल्म है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। लगभग 15 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 मार्च को मात्र 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद से इस फिल्म को जैसे जैसे अच्छे रिव्यूज मिलना शुरू हुए वैसे वैसे इस फिल्म की जो स्क्रीन है उसे बढ़ा दिया गया। अपने पहले दिन दोस्तों 3,55,00,000 रुपए की ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो अब तक के वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन रहे, और इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 110 करोड़ रुपए कमाए, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म दो हफ्तों में 250 करोड़ की कमाई पार कर चुकी थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे हफ्ते के कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी शानदार रिव्यूज मिले, जबकि दोस्तों इस फिल्म के सामने तीसरे हफ्ते में RRR जैसी बड़ी फिल्म थी, उसके बावजूद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते 238 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ये इस फिल्म का छठा हफ्ता चल रहा है और इस फिल्म का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल अपडेटेड कलेक्शन है वो 252 करोड़ रुपए का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 355 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरी फिल्म यानी कि RRR के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 मार्च को रिलीज किया गया था, दोस्तों बताते चले आपको कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड और बिग बजट एक्शन ड्रामा फिल्म है RRR, जिसके लीड में आपको जूनियर NTR, रामचरण और अजय देवगन सर नजर आए थे। लगभग 450 करोड़ से भी ज़्यादा के बजट में बनने वाली RRR को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 6,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी में तो 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन का कलेक्शन 223 करोड़ रुपए का रहा, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट और एक हिस्टोरिकल कलेक्शन है। इस फिल्म ने दोस्तों बाहुबली 2,
साहो, बाहुबली 1 और रोबोट 2.0 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को अपने पहले ही दिन तोड़ दिया। अगर बात की जाए इस फिल्म के भी अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए धमाकेदार रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने पहले हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ की कमाई कर चुकी थी। वही दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो काफी धमाकेदार रहे। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के सामने इस हफ्ते KGF चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि अपने 3 हफ्तों तक ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 248 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। अपने 22वें दिन इस फिल्म ने कमाए हैं 3 करोड़ रुपए। दोस्तों ये फिल्म आज अपने 23वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 255 करोड़ रुपए का अपने 23 दिनों में हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर दिया है, जिससे कि इस फिल्म का दुनिया भर में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1115 करोड़ रुपए का हो चुका है। और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर थैलापैथी विजय की पैन इंडिया फिल्म बिस्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इसी हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि बिस्ट जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को हिंदी में रॉ के नाम से रिलीज किया गया है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको थैलापैथी विजय के अलावा ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े भी नजर आई है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है नेल्सन दिलीप कुमार ने। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों 13 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2300 स्क्रीन्स मिली थी, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो काफी धमाकेदार ओपनिंग ली। और तमिल बॉक्स ऑफिस पर जहां इस फिल्म ने 45 करोड़ रुपए कमाए, तो वही दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो 50 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन 72 करोड़ रुपए की एक धमाकेदार ओपनिंग ली, जो कि तमिल सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग है। दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले, उसके बावजूद भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के सामने KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी पैन इंडिया फिल्म है। यही वजह है दोस्तों कि तमिल फिल्म बिस्ट तमिलनाडु में तो काफी अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन दोस्तों बाकी अदर स्टेट्स में इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो थोड़े कम रहे हैं। अगर बात की जाए अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 19 करोड़ रुपए के रहे। अपने तीसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 15 करोड़ रुपए। वही दोस्तों आज अपने चौथे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो भी लगभग 1516 करोड़ रुपए के आ रहे हैं, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 121 करोड़ रुपए का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है। और इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 150 करोड़ रुपए की कमाई करनी है, जो कि यह फिल्म आसानी से कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होगी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस की, तो हिंदी में दोस्तों ये फिल्म एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई है, क्योंकि इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो हिंदी में 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर KGF चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचा रही है और कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसके लीड में आपको रॉकिंग स्टार यश बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त नजर आए हैं। लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली KGF चैप्टर 2 ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिक ओपनिंग ली, और हिंदी में जहाँ इस फिल्म ने अपने पहले दिन 54 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस
ऑफिस कलेक्शन था वो हिंदी में अपने पहले ही दिन का 68 करोड़ रुपए का रहा। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली और 200 करोड़ के क्लब में पहले ही दिन शामिल हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस के अभी तक अपडेट नहीं हो पाए हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो थोड़े कम बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल की तो दोस्तों अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी शानदार रेस्पॉन्स मिला। इस फिल्म के अपने दूसरे दिन की जो एडवांस थी वही लगभग 58 करोड़ से ज़्यादा की थी। वहीं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म के अपने दूसरे दिन अपडेट होकर आए हैं वो भी हिस्टोरिक है। इस फिल्म ने दोस्तों अपने दूसरे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 46 करोड़ रुपए की कमाई करके सिर्फ दो ही दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया, वहीं दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती दो ही दिनों का कलेक्शन 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका था। रॉकिंग स्टार यश की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म के एक्शन विजुअल्स और सुपरस्टार संजय दत्त के कैरेक्टर को ऑडियंस एंजॉय कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 आज अपने तीसरे दिन भी इंडियन सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड्स बना रही है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जिसमें दोस्तों 29 करोड़ रुपए तो इस फिल्म की सिर्फ हिंदी में ही एडवांस थी। और हिंदी में ही दोस्तों ये फिल्म आज एक बार फिर से 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती तीन दिनों में हिंदी कलेक्शन 145 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। हिंदी ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका होगा 175 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 450 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज आसानी से पार करके एक सुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी, बॉक्स ऑफिस इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित होने वाली है। इस फिल्म के कलेक्शंस को देखकर दोस्तों लग रहा है कि यह फिल्म अपने चौथे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा एक बार फिर से पार कर देगी और अपने शुरुआती चार ही दिनों में नेट बॉक्स ऑफिस पर ही 200 करोड़ की कमाई और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर लगभग 230 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, हिंदी में बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं? हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।